गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीआरटी यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन लेक्चर में आज हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज चैनल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। प्रीवियस क्लास में वी हैव ट्राइड टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, की वॉट इज कम्युनिकेशन, वॉट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। आई होप आप उस कॉन्सेप्ट को इजिली समझ पाए हैं। तो जल्दी से पहले उसको रिकॉल करते हैं कि भाई व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज एन एक्टिविटी, इट इज एन प्रोसेस इन विच वी ट्रांसफर, वी शेयर, वी कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, आइडिया है, इमोशन है, एस्पेक्ट है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शेयर करता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि भाई कम्युनिकेशन बेसिकली एक टू वे प्रोसेस होता है, जिसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। साथ साथ हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि भाई कम्युनिकेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसमें एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैसेज है, आइडिया कॉन्सेप्ट को जनरेट करके मैसेज बनता है, उसके बाद आपको उसकी एनकोडिंग करनी है सेंडर के बिहाफ पे, वो मैसेज चैनल को यूज करके, माध्यम को यूज करके रिसीवर के पास जाता है, वहां जाकर उसको डिकोड किया जाता है और फिर फीडबैक के आधार पर कम्युनिकेशन को कम्प्लीट माना जाता है। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ पाए हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं चैनल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, अगर मैं चैनल की बात करती हूँ तो फॉर्मल चैनल होते हैं। कम्युनिकेशन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब आप समझते हैं टॉप टू बॉटम। डाउनवर्ड मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टू गेट द वर्क डन। भाई इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की, जिससे कि हम कार्य को करा सके। टू प्रिपेयर द वर्क फोर्स फॉर चैलेंजेस, टू टैकल मिस इन्फॉर्मेशन एंड सस्पिशन अराइजिंग आउट ऑफ इट, टू क्रिएट अ फील ऑफ प्राइड, कॉन्फिडेंस इन द वर्क फोर्स एंड टू ट्रांसमिट वर्क एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ये कुछ नीड्स होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल से इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल पर शेयर होती है, तो उस सिस्टम को, उस डायरेक्शन को डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो भाई देखिए, एडवांटेजेस को अगर हम देखते हैं तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि पहला फायदा होता है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में चीजें डिसिप्लिन रहती है। यहां पर लैक ऑफ विजन, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत डिले हो जाती है, क्योंकि इट इज हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर हैपन इमीडिएटली एंड एफिशिएंटली। जो भी ऑर्डर है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इमीडिएटली और एफिशिएंटली होता है। बैलेंस इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। यहां पर एक डिसएडवांटेज है कि जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है उसको बैलेंस करना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आती है। टास्क एंड पोजिशन कैन बी वेल डिफाइंड। इसका एक फायदा है कि यहाँ पर टास्क और पोजिशन इजिली डिफाइन की जा सकती है। डिसएडवांटेज में कि डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। क्लैरिटी इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके दिमाग में सब क्लियर रहता है कि कौन किस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओरल कम्युनिकेशन लीड्स टू इन्फॉर्मेशन लॉस, डिस्ट्रैक्शन एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इट हेल्प इन यूनाइटिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। ये भी एक हेल्प है कि भाई अलग अलग जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको लिंक करने में, यूनाइट करने में हेल्प करती है। और यहाँ पर एब्सेंस ऑफ फीडबैक से, जैसे फ्रस्ट्रेशन है, लैक ऑफ अथॉरिटी या फील एक्सप्लॉइटेड, ऐसा भी लोगों के मन में भावना आती है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे डायरेक्शन की, जो होता है अपवर्ड, दैट इज ऑपोजिट टू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन लीड्स क्या होंगी टू फॉरवर्ड एम्प्लॉयज फीडबैक। सबसे पहले तो अपवर्ड का मतलब समझिए बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जानकारी जा रही है। तो फीडबैक जाएगा, रिपोर्ट टू द ऑफिशियल मैटर्स, जो भी ऑफिशियल मैटर है उसकी रिपोर्टिंग होती है। टू गिव वॉइस ऑन द डिफिकल्टी, ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, टू इनवाइट सजेशंस, क्रिएटिविटी एंड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थ्रू द पार्टिसिपेशन। तो ये इसकी नीड्स होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, ट्रस्ट, इमोशनल बॉन्डिंग रहती है, लॉन्ग टर्म अथॉरिटी एंड एबिलिटी ऑफ सीनियर्स टू लिसन। एम्प्लॉय एथियास्टिक फील करते हैं, यहाँ पर डिलो क्योंकि बहुत स्लो होती है ट्रांसमिशन। अथॉरिटी एंड सबॉर्डिनेट कॉर्पोरेशन, यहाँ पर लोग सब मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ पर फेलियर टू हैंडल अपवर्ड कम्युनिकेशन, कई बार वो लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो साइड बाई साइड इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो चेंज शुड बी स्टार्ट
क्यूटिप शुड बी ट्रेन फॉर एक्सीलेंट लिसनिंग स्किल्स। यहाँ पर हमें क्या जरूरत होती है कि अगर आप चाहते हैं कि अपवर्ड कम्युनिकेशन अच्छी हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वही वहां पर एक चेंज स्टार्ट हो, एग्जीक्यूटिव ट्रेंड हो उन चीजों को सुनने के लिए, और वहां का जो ऑर्गेनाइजेशन का माहौल है वो भी कंडक्टिव होना चाहिए। अब बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन की। व्हाई डिसीजंस आर फाइनली टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, तो देयर इज नो रूम फॉर एम्प्लॉयज फीडबैक। मैनेजमेंट इंटरेक्ट्स विद एम्प्लॉय, इनवाइट द पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग टू एड्रेस देयर कंसर्न विदाउट ऑन इट्स मेजर्स ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब इज कि जहां पर एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट बुलाकर अपने निर्णय बताते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करते हैं, बट इट इज वर्टिकल इन द रूम्स ऑफ द मैनेजमेंट ओनली। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल मीन्स ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है, क्रिएट अंडरस्टैंडिंग टीम स्पिरिट, मतलब अलग अलग लोग आपस में हॉरिजॉन्टली लिंक करते हैं, और टू सी एक्सटेंशन ऑफ कॉपरेशन एंड टू सेव टाइम एंड टू थी टेक डिसीजन। तो ये इसके फायदे होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के। जैसे कि इसका अगर हम एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें, तो इट हेल्प इन क्लैरिफाइंग द डाउट्स, डिसीजन जल्दी हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, टीम स्पिरिट रहती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर डिसिप्लिन आ जाता है और वेस्ट ऑफ टाइम भी कई बार, क्योंकि लोग जबरदस्ती की बहस और डिबेट्स में पड़ जाते हैं जब एक दूसरे में चीजें। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, भाई आप सेल्स में काम कर रहे हैं और आप एचआर में काम कर रहे हैं, मगर जब हॉरिजॉन्टली कॉन्टैक्ट करेंगे तो सभी डिपार्टमेंट के लोगों की राय मशवरा लिया जाएगा। वर्टिकली का मतलब होता है सेम लेवल पर, आप भी ए लेवल पर है, दूसरा भी ए लेवल पर, टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस कर रहा है, तो वो वर्टिकल हो गया। तो आई होप आप इन डायरेक्शन को समझ पाए हैं। मैंने चार तरह के डायरेक्शन आपको बताए हैं, डाउनवर्ड मतलब टॉप टू बॉटम, अपवर्ड मतलब बॉटम टू टॉप, वर्टिकल मतलब इन द सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे से लिंक करके बात करते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयज मस्ट लर्न टू एक्सटेंड कोऑपरेशन, अथॉरिटी शुड डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड्स टू बी मॉनिटर्ड, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड होती है तो यहाँ पर मॉनिटर भी करना चाहिए। अगला जो डायरेक्शन होता है तो क्रॉस वाइज होता है, डायगोनल, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना डायगोनली, तो इसमें स्पीड्स ऑफ फ्लोज और इन्फॉर्मेशन जल्दी फ्लो होती है, हेल्दी रिलेशनशिप्स होता है लोगों के अंदर, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट सेक्शंस, मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी। इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरमेंट ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयज टू हैंडल द डायरेक्शन कम्युनिकेशन। तो दीज आर बेसिकली द नेक्स्ट। अब हम इसकी बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की। ऑर्गेनाइजेशन एटमोस्फेयर शुड बी ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी देयर। एडवांटेज की बात करते हैं स्पीड ऑफ इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है, हेल्दी रिलेशनशिप्स है, कोऑर्डिनेशन आता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कंट्रोल डिस्टॉर्शन। डिसएडवांटेजेस वर्टिकल चेंज कमांड है, इट मे बी सीन इंटरफेरेंस, इट मे क्रिएट डाउट्स, डिसीजन टेकन बाय पास अथॉरिटी कुड बी स्पॉइल द एटमोस्फेयर। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस। तो आई होप आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन समझ पाए हैं। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। ग्रेपवाइन इसका दूसरा नाम होता है, एक ऐसा प्लांट होता है बच्चों दैट कीप्स ग्रेप्स ग्रो, जैसे ग्रेप्स होते हैं ना वो एक बेल जो होती है जिसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, तो बेसिकली ग्रेपवाइन में ग्रो एनी डायरेक्शन विद द सपोर्ट ऑफ टेंडर्स। इसी तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसे केवल इन्फॉर्मेशन का सपोर्ट चाहिए, वो कहीं से कहीं भी जा सकती है, इसका कोई निर्धारित डायरेक्शन नहीं होता है, ना डायरेक्ट, ना डाउनवर्ड, ना अपवर्ड, ना क्रॉसवाइज, इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन मूव थ्रू एनीवेयर। ठीक है, हाउ इट इज जनरेटेड, कैसे होता है ये, भाई लोगों के अलग अलग ओपिनियन और एटीट्यूड होते हैं, तो एक दूसरे से बात करते हैं, उनके एम्बिशन होते हैं, होप्स होती है, अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस करते हैं गुस्से से, खुशी से, रिजिडिटी है, कोई बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसलिए वो बता रहे हैं, तो ये सब वजह होती है जिससे इनफॉर्मली लोग कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं। ठीक है, वेरियस टाइप की कम्युनिकेशन चेन्स होती है, जैसे आपके सामने आया चेन, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप चेन, प्रोबेबल चेन, क्लस्टर, ग्रीन स्टार, ये डायग्रामेटिकली आप इसको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेज की। भाई सबसे पहला फायदा क्या होता है कि बहुत जल्दी से इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है और इमेंस पर्सनल अपीयरेंस, बहुत पर्सनली लोग एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज है कि नेगेटिविटी भी होती है, जरूरी नहीं है कि सारी बात जो आई है वो सच्ही आए, बल्कि जो अफवाह होती है, रूमर होता है, उसका कोई सोर्स
किसने कौन सी बात क्या कही थी वो नहीं पता है, बस वो बात फैल जाती है, और क्या बात है वो भी किसी को नहीं पता होती है। इट लीड्स टू लैक ऑफ मोटिवेशन, इससे लोगों का मनोबल कम हो जाता है। अगर कोई नेगेटिव बात है तो फिर ऑब्वियस है लोग अपसेट हो जाएंगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं इसके गाइडलाइंस। गाइडलाइंस इज बेसिकली रिलेटेड टू गाइडलाइंस की बात करते हैं, तो गाइडलाइंस में सर्कुलेट द इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट स्ट्रेंथ एंड कंफर्ट चैनल, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनवाइट सजेशंस, आइदर कट द ग्रेपवाइन विद ऑफिशियल कम्युनिकेशन और यूज इटसेल्फ टू सर्कुलेट द इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप यहाँ तक इन्फॉर्मेशन को समझ पाए हैं। तो दीज आर बेसिकली द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो फॉर्मल भी होते हैं और इनफॉर्मल भी होते हैं। तो इनको आप नोट्स से कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आपको इन कंटेंट को फॉलो करना है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। वापस से मैं रिकॉल करा दूं, आज की क्लास में हमने केवल और केवल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हैं, जो दो होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में चार तरह के डायरेक्शन होते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगनल या वर्टिकल। ठीक है, अगर इनफॉर्मल की बात करें तो उसे ग्रेपवाइन भी कहते हैं, जिसका कोई फिक्स सोर्स नहीं होता है। किसी भी इन्फॉर्मेशन के सपोर्ट से वो इन्फॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लेती है, जिसके अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो वो आपको वर्ड टू वर्ड यहाँ से डिस्कस करके मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन करें, कंटेंट लिंक के साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आप इस वर्ड इस कंटेंट को अपने पास इजिली समझ पाए और मैनेज कर पाए। थैंक यू क्लास।